चुनाव का बिगुल बज चुका है, बहुत जल्द चुनावी नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। रानीपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जहां लगातार लोग विकास की राह देख रहे हैं। इस राजनीति को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत रायली हमारे साथ हैं और यहां बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो प्रशांत रायली लगातार जूझते रहे हैं दूर करने के, और अब किन मुद्दों को लेकर चुनाव में कूदेंगे। नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको। देखिए, हमारी पार्टी और हमारा एक ही मुद्दा है, और बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो आम आदमी की मूलभूत जरूरत है, और आम आदमी की यही मूलभूत जरूरत है। जैसे लोग हमसे कई बार पूछते हैं कि ये फ्री की आदत क्यों डाल रहे हैं या क्यों होनी चाहिए। फ्री का नहीं है, हमारे पैसे, टैक्स के पैसे से ही वो वापस दिया जाता है, जैसे कि दिल्ली में उदाहरण के तौर पर दिया गया है। यही लोगों के अंदर विश्वास भी आया। जैसे विधायकों को 1000 यूनिट फ्री होती है, विधायकों का आना जाना फ्री होता है, विधायकों का इलाज फ्री होता है, तो क्या हमारा और आपका नहीं हो सकता? क्योंकि टैक्स उनके पैसे पे नहीं दिया जाता, हम टैक्स देते हैं। यही मूलभूत जरूरत है। इस मूलभूत जरूरत पे चुनाव लड़ा जा रहा है, लड़ा जाएगा। और विकास की बात, यहाँ पे पिछले 10 साल से जो भी यहाँ पे हैं जनप्रतिनिधि, उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास किया, आप चले जाइए हेतमपुर से लेके, वो आज तक पूर्ण नहीं हुआ। आप टीडी से लेके जो रपटा बना है, वो पैसे की बर्बादी है, टैक्स के पैसे की बर्बादी है। जैसे टैक्स के पैसे की बर्बादी इन्होंने 3-3 मुख्यमंत्री बना के करी, वही अरबों रुपए का टैक्स पैसा जनता के ऊपर बोझ बनाया। वही पैसे से यदि जनता के कोई कार्य करे होते, आम आदमी के लिए ये लोग नहीं सोचते, ना कांग्रेस ना बीजेपी। अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी के लिए कहा था, उन्होंने राजनीति की दिशा और दशा बदलेंगे, और बदल के दिखाई दिल्ली के अंदर, वैसे ही आपको रानीपुर में भी, उत्तराखंड में भी बदल के दिखाई जाएगी। जनता इस बार साथ है। शान जी, आपको इस क्षेत्र का बहुत अनुभव है और बहुत समस्या भी, यहाँ रोजगार की समस्या है और जातिवाद और रोजगार दोनों को लेकर आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, हमारी घोषणाओं में ये कहा गया है, सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर 1 लाख रोजगार दिए जाएंगे। जब तक नहीं युवाओं, युवतियों को 18 साल से ऊपर नहीं दे पा रहे हैं, तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता 5000 रुपया हर महीने दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है पूरे उत्तराखंड में, ना कांग्रेस ना बीजेपी ये नहीं कर पाई। सरकार बनती 1 लाख नौकरियां देने की बात कही है पार्टी ने। अब आप जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं और आम समस्या है, BHL के बहुत सारी, यहाँ अपराधीकरण भी बहुत सारा इस क्षेत्र में रानीपुर में हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, BHL की आपने ताई याद आ गया हमें। लोग पढ़ाई करके, पूरी मेहनत से इंटरव्यू देके सरकारी संस्थान में वही टैलेंटेड आदमी आते हैं, उसी बेचारी BHL को, उसी की हम उपज भी, हमारे फादर भी BHL में थे, हम भी उसी की उपज हैं, उसको ये बेचने की बात कर रही है। बताइए कितना बड़ा उन बेचारे श्रमिकों को BHL के एम्प्लॉयजों के साथ धोखा नहीं है? उन्होंने, उनके परिवार, उनके आश्रितों को कितना इस समय संकट के बादल दौड़ रहे हैं, ये BHL को बेचने की बात कह रहे हैं। अपराधीकरण में ये सरकार की पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। कितना कर रहे हैं लोग, वो आपके सामने हैं। लोगों की यहाँ सुबह घूमने जाते हैं बुजुर्ग आदमी, तो उनकी अंगूठी निकाल दी जाती है। यदि पुलिस में कंप्लेन करने जाते हैं तो कहते हैं कि घूमना ना करिए, पार्क में घूमिए। भाई, क्या लोकतंत्र है? क्या आदमी सुबह 9 बजे भी घूमने नहीं निकल सकता घर से? क्या आप इसको कह मानेंगे? शाम को महिलाएं कहीं निकले, लड़कियां निकले, बदतमीजी होती है। तो ये तो पुलिस की लॉ ऑर्डर है, इसके ऊपर तो पुलिस प्रशासन को, सरकार को और कड़े कदम उठाने चाहिए इसके लिए। BHL क्षेत्र है, शिक्षा से जुड़ा है, लोग एजुकेटेड, अब जागरूक मतदाताओं को क्या कहना चाहिए? जागरूक, यहाँ की जनता जागरूक है और अब जागरूक हो गई है, उनको पता है। अब सब पढ़े लिखे लोग भी हैं और जानते भी हैं कि इस बार उन्हें क्या करना है। इस कोरोना काल के बाद से उनको समझ में आ गया है कि उनको क्या, दोनों पार्टियां बेवकूफ बना रही हैं, अपने अपने कुछ कार्यकर्ताओं, कुछ लोगों का पेट भरती हैं, बाकी सब जनता का कुछ नहीं करती, उन सबको कष्ट में रहते हैं। उनको उदाहरण के तौर पर दिल्ली में दिखा है, आम आदमी को चाहिए क्या? यदि आप 1 रुपये का इलाज हो या कितने का भी, ये इलाज फ्री हो जाए तो आदमी मानसिक फ्री हो जाता है। शिक्षा दिल्ली के अंदर सरकारी संस्थानों में कितनी अच्छी है, 2 लाख बच्चे प्राइवेट से सरकारी स्कूल में गए हैं, पूरे भारत में दिल्ली से अच्छा नहीं है। वही आइडिया, वही मॉडल बना के उत्तराखंड में लाने के लिए बात है। शिक्षा आपको सबसे अच्छी उत्तराखंड में हो जाएगी यदि एक बार सब लोग मिलके सरकार बनाएंगे, झाड़ू का बटन दबाएंगे।
ठीक है प्रशांत जी, आगे हम और भी मुद्दों पे आपसे बात करेंगे, आज के लिए नमस्कार।